ओम शांति। 27/11/2023 की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा ने कहा, जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती। फिर कहा, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरन करो, बाप को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। फिर कहा, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी है, कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ट्रस्टी होकर रहना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी बाप को याद करना है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरन करो, बाप को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। प्रश्न है, माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती, वो मन मनाभव रह नहीं सकते, फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं, श्रीमत पर ना चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं, तो सजाए भी खानी पड़ती है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गॉड फादर को ही बुलाते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। बाप को कहेंगे, आओ फिर से कंसपुरी के बदले कृष्णपुरी बनाओ। कृष्णपुरी को तो स्वर्ग कहा जाता है, यह कोई भी जानते नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। यह सब भूले शास्त्रों से हुई है। अभी बाप यथार्थ बात समझाते हैं। वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा गॉड फादर है, सबको उस एक गॉड को ही याद करना है। भल मनुष्य क्राइस्ट, बुद्ध अथवा देवताओं आदि को याद करते हैं, हर एक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। याद करना शुरू हुआ है द्वापर से, भारत में गाया हुआ भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। बाद में ही याद करने की रस्म पड़ती है, क्योंकि दुख है। पहले पहले भारतवासियों ने याद शुरू किया, उन्हों को देखते दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्म स्थापक को याद करने लग पड़ते हैं। बाप भी धर्म स्थापन करने वाला है, परंतु मनुष्यों ने बाप को भूल श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। लक्ष्मी नारायण के धर्म का उन्हें पता नहीं है, या तो ना लक्ष्मी नारायण को ना श्री कृष्ण को करना है। याद एक बाप को करना है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। फिर जब यह भक्ति मार्ग में शिव की पूजा करने लगते हैं, तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, उनको याद करते हैं। उन्हों को देख वो भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, यह भूल जाते हैं कि यह देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया है। हम लिख सकते हैं कि गीता का सर्मोनाइजर श्री कृष्ण नहीं, शिव बाबा है, वो है निराकार। यह वंडरफुल बात हुई ना। किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं है, वो स्टार है, सब जगह शिव के मंदिर है, तो वो समझते हैं कि इतना बड़ा है, अखंड ज्योति तत्व है। परंतु वो तो महातत्व में रहते हैं, जहाँ आत्माएं रहती है। आत्मा का रूप बरोबर स्टार मिसल है, परमपिता परमात्मा भी स्टार है, परंतु वो नॉलेजफुल बीज रूप होने कारण उनमें ताकत है। आत्माओं का पिता बीज परमात्मा को कहेंगे, है वो निराकार।
मनुष्य को तो ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कह न सके। इसलिए समझाने वाले बच्चों में ऑथोरिटी चाहिए, जिनकी बुद्धि विशाल हो। तुम सब में मुख्य है मम्मा, वंदे मातरम भी गाया हुआ है। कन्याओं द्वारा वाण मरवाए, अधर कन्या कुमारी कन्या का राज कहाँ है नहीं, सिर्फ मंदिर से ही सिद्ध होता है। जगदम्बा भी बरोबर है, परंतु वे जानते नहीं कि वो कौन है। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। ड्रामा में क्या है, यह मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। यह बेहद का ड्रामा है, इसके हम एक्टर हैं, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। जिनकी बुद्धि में यह रहता है, उन्हें बहुत नशा रहता है। सारा दिन शरीर निर्वाह किया, रात को बैठ स्मृति में लाओ, यह ड्रामा कैसे चक्र लगाता है। यही मन मना भव है, परंतु माया रात को भी बैठने नहीं देती है। एक्टर्स की बुद्धि में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए ना, परंतु है बड़ा मुश्किल। कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है, अच्छी पढ़ाई वाले फिर तनख्वाह भी अच्छी लेते हैं ना, यह पढ़ाई है। परंतु बाहर जाने से भूल जाते हैं, फिर अपनी मत पर चल पड़ते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। यह है पति दुनिया, विकार को पॉइजन कहा जाता है, जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते हैं। यह रावण राज्य शुरू ही होता है द्वापर से। यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, श्रीमत पर चले तो धारणा भी हो। बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है, सब दुखी हो रड़ी मारेंगे। हे भगवान रहम करो, त्राही त्राही करते समय भगवान को याद करेंगे। पार्टीशन के समय कितना याद करते थे, हे भगवान रहम करो क्षमा करो। अब रक्षा क्या करेंगे, रक्षा करने वाले को ही जानते नहीं तो रक्षा करेंगे कैसे। अभी बाप आया है, परंतु मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे सर्विस करो, यह श्रीमत बाप की मिलती है, ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते। यह भी कैसा वंडर है, कितनी समझने की बातें हैं। सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धि में रहे, यह भी उनका रथ साथी ठहराना। बाबा देखते हैं, बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि है, कल संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती है, तो बाबा इसमें क्या कर सकते हैं। तुम ज्ञान में आए, सरेंडर हुए तो तुम ट्रस्टी ठहरे, तुम क्यों फिक्र करते हो। सरेंडर किया है फिर सर्विस भी करनी है तो रिटर्न में मिलेगा। अगर सरेंडर हुआ है सर्विस नहीं करता तो भी उनको खिलाना तो पड़े, तो उन पैसों से ही खाते खाते अपना ख़त्म कर लेते हैं, सर्विस करते नहीं हैं। तुम्हें सर्विस करनी है मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की, मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करनी है, जिससे मनुष्य ऊंचे बने। सर्विस नहीं करते तो जाकर दास दासी बनेंगे। जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं उनका मान भी ऊंचा होता है, जो नापास होंगे वो जाकर दास दासी बनेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो और वर्षा लो। बस यह मन मना भव अक्षर ही राइट है। ओशन ऑफ नॉलेज कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे श्री कृष्ण कह ना सके, बाप ही कहते हैं माँ में कम याद करो और भविष्य राज्य पद को याद करो।
यह राजयोग है ना, इससे प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है, यह तुम ही समझ सकते हो। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल तीखे हैं उन्हों को बुलाया जाता है, समझा जाता है यह होशियार हैंड है। बच्चों को योग युक्त बनना है, श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं तो फिर सजाए खानी पड़ती है, ट्रिब्यूनल भी बैठती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। रात्रि क्लास, बच्चों को पहले पहले समझानी देनी है बाप की, बेहद का बाप ही हमको पढ़ाते हैं। गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं, उन्हें समझाना है कि भगवान तो निराकार को कहा जाता है, देहधारी तो बहुत है, बिगर देह है ही एक, वो है ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा। यह अच्छी रीति बुद्धि में बैठाओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, वही ऊंचते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा है, वह है बेहद का बाप और यह है हद का बाप, और कोई 21 जन्मों का वर्षा नहीं देते हैं। ऐसा भी कोई बाप नहीं जिससे अमर पद मिले। अमर लोक है सतयुग, यह है मृत्यु लोक। तो बाप का परिचय देने से समझेंगे बाप से वर्षा मिलता है, जिसको दैवी स्वराज्य कहा जाता है वह बाप ही देते हैं। वही पतित पावन गाया जाता है, वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, पतित से पावन बन पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो। कल्प कल्प बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है। अभी पावन दुनिया आ रही है, पतित दुनिया विनाश होनी है, पहले पहले बाप का परिचय दे पक्का कराना है। जब पक्का बाप को समझ जाए तब बाप से वर्षा मिले। इसमें माया भुलाती बहुत है, तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की फिर भूल जाते हो। शिव बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे, वह बाबा इनके द्वारा बताते हैं बच्चे मुझे याद करो, फिर भी धंधे आदि में भूल जाते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए, यही मेहनत की बात है। बाप को याद करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता है फरिश्ता। तो यह पक्का याद करो, कैसे किसको समझाए। पक्का निश्चय भी हो कि हम भाइयों को आत्माओं को समझाते हैं, सबको बाप का पैगाम देना है। कई कहते हैं बाबा पास चलूं, दीदार करूं, परंतु इसमें दीदार आदि की तो बात ही नहीं है। भगवान आकर सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं तुम मुझ अपने निराकार बाप को याद करो, याद करने से सब पाप कट जाते हैं। कहाँ भी धंधे आदि में बैठे घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। बाप ने हुक्म दिया है मुझे याद करो, निरंतर याद करने वाले ही विन करेंगे, याद नहीं करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। यह पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की, जो एक बाप ही पढ़ाते हैं। तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है तो 84 जन्मों को अर्थात चक्र को भी याद करना है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी है, वो अंत में होनी है। अंत कोई भी समय आ सकती है, इसलिए पुरुषार्थ लगातार करना है, नित्य तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे। लौकिक बाप तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो तो पाप कटेंगे। यह तो बेहद का बाप ही कहते हैं बच्चे,
मुझ एक की याद में रहो तो सब पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह धंधा तो खुशी से करना चाहिए ना। भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है। याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे तो अच्छा है, तुम्हारा ही कल्याण है। अपने को देखना है, बाबा को कितना समय याद करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी है। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ट्रस्टी होकर रहना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी बाप को याद करना है। श्रीमत में अपना कल्याण समझ चलते रहना है, अपनी मत नहीं चलानी है। वरदान है, मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं, वे इसमें लूज नहीं होते। उन्हें यह स्लोगन सदा याद रहता कि कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। उनका हर बोल योग युक्त युक्ति युक्त होता। वे आवश्यक बोल ही बोलते, व्यर्थ बोल विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते। वे सदा एकांत प्रिय रहते हैं। स्लोगन है, संपूर्ण नष्टो मोहा वो है जो मेरे पन के अधिकार का भी त्याग कर दे। संपूर्ण नष्टो मोहा वो है जो मेरे पन के अधिकार का भी त्याग कर दे। अब मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। सार है, मन के अशांति का कारण है कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। वास्तव में हर एक मनुष्यों की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे, इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन पांच विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है, तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है, यह कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है? यह तो हम जानते हैं, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं, इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तब ही कर्म बंधन टूटे। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है, गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति।